नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल ग्रीन एक्स में। दोस्तों, आज की टॉपिक है चंपा, जिसको हम प्लूमेरिया भी कहते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, जैसे फंजीपानी, गुलाचीन। वैसे हमारे भारत देश में इसको मुख्य रूप से चंपा ही बोलते हैं। तो दोस्तों, चंपा का जो प्रकार है, पौधा प्रकार, वो बहुत है, और जिसे फ्रंगीपानी या प्लूमेरिया के नाम से तो जानते ही हैं। ये एक सुंदर और सुगंधित पौधा है, जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जा सकता है। इससे मतलब है कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। चंपा के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएँ हैं। प्लूमेरिया अल्बा, इस चंपा के पौधे में पीले केंद्र वाले सफ़ेद फूल और मीठी सुगंध वाले फ्लावर आते हैं। इसका दूसरा है प्लूमेरिया रूब्रा, चमकीले लाल रंग के गुलाबी या नारंगी फूलों के साथ यह चंपा एक बहुत ही सॉफ्ट फर है। तीसरा जो है प्लूमेरिया ऑब्टुसा, चंपा के इस पौधे में सफ़ेद या पीले रंग के फूल हल्के सुगंध वाले होते हैं। प्लूमेरिया स्टेनोपेटाला, चंपा के पौधे में एक अद्वितीय फूल का आकार होता है, जिसमें सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती हैं जो अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। और पांचवा है प्लूमेरिया पंडिका, इसे दुल्हन के गुलदस्ते के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मीठा खुशबू के साथ सफ़ेद फूल पैदा करता है। दोस्तों, आपको अपने चंपा को बोने के लिए एक अच्छा जगह देखें, और उसमें जो है ऐसी मिट्टी डाल लगाएं, मिट्टी में लगाएं जहाँ से पानी निकल सके, और साथ में धूप वाली जगह हो। इसके बाद दूसरा जो है रोपण की विधि जो है, अगर आप एक कटिंग लगा रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसे लगाने से पहले एक दो दिन के लिए इसको पहले रख के सुखा लें। अभी जब लगाएं तो मिट्टी में एक छोटा सा छेद बनाएं, जिसमें आराम से आपकी कटिंग चली जाए, और मिट्टी में थोड़ा सा खाद डाल दें। और तीसरा जो है पानी देने का जो क्रिया है, अपने चंपा के पौधे को डेली पानी दें, लेकिन सावधान रहें कि इसे अधिक पानी ना दें। और चौथी बात जो है लंबाई है, अपने चंपा के पौधे को उसके आकार को बनाए रखने और स्वस्थ विकास के बढ़ावा देने के लिए आपको इसको जो है आपको कटिंग लगाने से पहले ऐसी टहनी चुननी है जिसमें थोड़ी सी हरापन हो, और इसके पॉइंट पे आप अगर कोई फंगीसाइड भी लगा लें या रूट हार्मोन्स लगा लें तो भी अच्छा है, और नहीं लगाएंगे अगर नहीं है आपके पास तो भी चल जाएगी। मगर आपको 100% ग्रो करने के लिए इस कटिंग को, अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो उसकी आप जेल को लगा सकते हैं। और जेल को लगाने के बाद इसकी कटिंग 45 डिग्री पे आपको कट करनी है, और कट करें इस तरह कट करें कि ज़्यादा स्पेस उसमें रूट के लिए मिले। और आपको अपने कलम को इस मिट्टी में 50% खाद, 50% कंपोस्ट और बालू थोड़ा सा डाल दीजिए, 10%। यानी कि आपको इस तरह से लगाना है कि 3 से 4 इंच तक की अंदर स्टेम चली जाए, और पानी जो है इतना दें कि नमी बरकरार रहे, बनी रहे। ज़्यादा पानी देना भी नुकसानदेह है इस पौधे के लिए, क्योंकि इसमें स्टेम में ऑलरेडी इतना कंजर्व रहता है ये पानी, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ही पानी दें, इससे आपके स्टेम में जब मिट्टी में नमी भरी बनी रहे तब पानी ना दीजिए। देखें, सूख गई ऊपर से 1 इंची, और गमले में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, ग्रो बैग में या गमले में जिसमें भी आप कलम लगाएं, क्योंकि पानी निकल जाना चाहिए। और इसको कटिंग लगा के इसे ब्राइट सनलाइट एरिया में रखें, मतलब कि इनडायरेक्ट लाइट में, कम से कम 7-8 दिन। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे बाहर निकाल के रख देना है डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय प्लांट है और ये गर्मी झेल लेगा। ये आउटडोर प्लांट है, आप तो जानते होंगे इसके बारे में, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप जब लगाएंगे, उसके बाद ये देखिए 30 से 35 दिन में, 40 दिन में मैक्सिमम इसकी ये
अपडेट है, ये फर्स्ट क्लास बनकर निकल आया बाहर। तो इस तरह से आप भी कटिंग लगाइए और प्रोपोगेट करिए। आपको कुछ मैं जरूर टिप्स बता दें, जब भी आप नर्सरी से ये पेड़ ले आइए तो ऐसा पेड़ चूज़ करिए जिसमें नई ग्रोथ हो पत्तियों की, भले फूल ना लगे हों, उसमें आप हमेशा ये देखा करिए कि ग्रोथ हो पत्तियों की। और ये देखिए, मैंने एक प्लांट लगाया था कटिंग से, यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ चंपा, और ये एक आध रोज़ में मैं इसकी कटिंग लगा के दिखाऊंगा या एयर लेयरिंग बांधूंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप जो है कटिंग को लगा सकते हैं। पॉलीबैग से निकालने के बाद कभी भी मिट्टी डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए गमले में, अगल बगल की उसकी मिट्टी की छांट देनी चाहिए जिससे रूट उसके बाहर का निकल जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।